नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग में आज विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला होगा, तो नजरें दोनों टीमों के बल्लेबाजों पर लगी होगी। चेन्नई टीम में हरफन मुला केदार जाधव का पत्ता कट सकता है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत दिलाने में नाकाम रहे थे। चेन्नई को जीत के करीब पहुंचकर 10 रन से पराजय झेलनी पड़ी और केदार जाधव की रक्षात्मक बल्लेबाजी की काफ़ी आलोचना हुई। अब देखना यह है कि आमतौर पर बदलाव करने से हिचकिचाती रही टीम 35 वर्ष के केदार जाधव को ही उतारती है या किसी और बल्लेबाज को मौका मिलता है। शेन वाटसन के फॉर्म में लौटने और फाफ डुप्लेसिस के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई का मध्यक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। कप्तान धोनी खुद उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जाधव को बाहर करने पर ऋतुराज गायकवाड़ या एन जगदीशन को उतारा जा सकता है, जिन्हें 2018 से कोई मौका नहीं मिला है। चेन्नई के गेंदबाजों ने केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हरफन मोला ड्वेन ब्राउन ने 3 विकेट चटकाए। पीयूष चावला की जगह आए करण शर्मा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए विकेट भी लिए। तेज गेंदबाज का दारोमदार दीपक चाहर, सैम करन और शार्दुल ठाकुर पर रहेगा। दूसरी ओर आरसीबी के पास कोहली जैसा कप्तान और बल्लेबाज है जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फॉर्म में नजर आए। देवदत्त पडिक्कल और अनुभवी एबी डिविलियर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एरोन फिन से भी आक्रामक पारी की उम्मीदें रहेगी। गेंदबाजी में लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर को छोड़कर किसी ने प्रभावित नहीं किया। उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी महंगे साबित हुए। श्रीलंका के इसरू उड़ाना के आने से गेंदबाजी को बल मिलेगा। चलिए देखते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी कप्तान विकेटकीपर, अंबाती रायडू, फॉफ डुप्लेसिस, शेन वाटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्राओ, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, सैम करन और करण शर्मा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स, एरोन फिंच, मोइन अली, देवदत्त पडिक्कल, नवदीप सैनी, शिवम दुबे, इसरू उड़ाना, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और यजवेंद्र चहल। दोस्तों, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।